हे फ्रेंड्स, तो ये है नेक्स्ट पार्ट रक्षाबंधन सेलिब्रेशन का। वान्या ने गर्वांश और प्रियांश दोनों को राखी वगैरह बांध दी थी, तो फिर उसके बाद भैया भाभी ने बोला कि हमें भी बांध दो। शाम का वक्त हो रहा है, करीब 5 बज रहे हैं। सो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो मैं बांध रही हूँ यहाँ भैया को राखी और भाभी को भी बांधूंगी। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद मेरी सिस्टर भी बांध देगी। और है ना, मेरे वीडियो के चक्कर में रेडी होना पड़ता है सभी लोगों को, वरना भैया ना नॉर्मल कपड़ों में थे तो भैया बोल रहे थे बांध दो, फिर रहना। मैंने बोला वीडियो बनेगा तो बोलते रुको मैं रेडी होके आता हूँ, भैया भाभी दोनों। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी कि चलो वीडियो में इंटरेस्ट भी है। सो बस यहाँ मिठाई खिला दूंगी मैं, और फिर उसके बाद ना शाम को जाना है आंटी जी के यहाँ, देखते हैं अभी क्या होता है। और बस बच्चे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। साइकिल चलाने लगी हमारी वान्या गर्वांश की। आ जाओ, ये हाँ। आ जाओ, गाइज मैं जा रही हूँ अपनी चाची जी के घर, जिन्होंने शाम को बुलाया था। अभी बज गए हैं 7:30। तो ना मेरी सिस्टर तो चली गई है पहले से, मैं और वानू जा रहे हैं। वानू ने ना ये कपड़े बहुत गंदे कर लिए, मैंने बोला भी था चेंज कर लो, बट बिल्कुल नहीं कर रही है, मान ही नहीं रही है। नहीं जाना उसको, कहीं नहीं जाना उसको, तो खेलना है मस्ती करना है। चलो चलते हैं, आओ। नहीं जाना और चल भी रही हो, बच्चे मस्ती कर रहे हैं। हाँ चलो ऊपर, कछुआ है ये कछुआ। क्या मस्ती कर रहे हो, इसमें फिश नहीं है बेटू, आएंगी नई फिश आएंगी नई। हाँ माने मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर आपको चलना है, ऊपर जा रही हूँ मैं। चलोगे तो आप यहीं खेलो, आ जाना। सो ये हमारी आंटी जी का घर है, मैंने कई बारी पहले भी व्लॉग वगैरह में शेयर किया है, आंटी जी बुलाती रहती हैं खाने पीने पर, तो बस इसीलिए। और ये भैया भाभी बैठे हुए हैं, तो मैं इनको टीका कर रही हूँ। वानू मस्ती कर रही है, गर्वांश प्रियांश सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए प्रियांश लगा हुआ है पता नहीं क्या करने में, अपनी बंदूक चला रहा है। तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ, खाना वगैरह खाएंगे, बैठेंगे थोड़ी बहुत देर। मेरी सिस्टर भी आई है, वो भी बांधेगी राखी और उसके बाद घर पर जाएंगे। मतलब हमारा आंटी जी का घर और हमारा घर ना बिल्कुल पास पास में है, मतलब एक के बाद दूसरा घर लगा हुआ जो है ना वो आंटी जी का ही है, तो इतना पास पास में है, तो कहीं दूर तो जाना नहीं है बस। तो बस चले जाएंगे अभी थोड़ी देर से।
और ये है मेरी कज़न, तो ये खड़ी हुई है, फ़ोटो की ज़िम्मेदारी इसकी है फ़ोटोज़ निकालने की, तो बस वो फ़ोटो ले रही है। मेरी सिस्टर यहाँ पर राखियाँ बांध रही है और मैं आपको चलिए अपनी भाभी का रूम दिखा देती हूँ। बढ़िया बढ़िया से फ़ोटो लगे हुए हैं उनकी शादी के वहाँ पर। सो ये मेरी आंटी जी किचन में खाना हम लोगों के लिए सर्व करने के लिए रेडी कर रही हैं, थालियाँ लगा रही हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया सा रूम है, और ये इनके शादी के फ़ोटोज़ हैं। लॉकडाउन में शादी हुई थी बहुत ही कम लोगों में, देखिए कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो आए हैं। सो बस बहुत ही अच्छा सा फ़ोटो है, सारी चीज़ें हैं। वानू खड़ी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। और बच्चे देखिए कितनी ज़्यादा शैतानियाँ कर रहे हैं, सारी उन्होंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स हटा दी हैं, कुशंस फेंक रहे हैं, बट हम सब लोग बैठे हुए हैं। और आंटी जी को ना हमारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब हमारी चाची जी का नेचर इतना ज़्यादा अच्छा है इस मामले में। तो उन्होंने ना बचपन में भी हम लोगों ने बहुत शैतानी की, आंटी जी का घर पूरा बिखेर के रख जाते थे हम लोग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती थी, बल्कि हमें हमेशा बुलाती थी, बोलती थी और करो शैतानी आओ। तो ना बहुत ही हमने मस्ती की आंटी के घर पर, पूरा घर बिखेर देते थे, बट वो कुछ भी नहीं बोलती थी। और यहाँ वो भी मेरी सिस्टर को वही सब चीज़ें दे रही हैं, मतलब जो शगुन होता है ना, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये छुटकू महाराज देखिए वहाँ पर रो रहे हैं लेटे लेटे कि ये शगुन रखो और हमको ले लो जल्दी से। तो बस मस्तियाँ चल रही हैं बच्चों की, देखिए क्या हाल कर दिया है बच्चों ने। सो गाइज हम लोग सब जगह से वापस आ गए हैं और अभी आकर के बस बैठ गए हैं, और मैं करने वाली हूँ चेंज, बिकॉज ना आज दिन भर इस साड़ी में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी, और ना मतलब साड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे, बट गर्मी वर्मी में ना थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। तो बस ये लग रहा है कब इसे चेंज करें। तो ये मानू शैतानी कर रही है, तो बस फिर नहीं आऊँ मैं, यहाँ हूँ नहीं हूँ। सो बस गाइज ये था हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, आई होप आपने एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ना यहाँ रात में करीब 10 बज रहे हैं, एक और भाई आ गया था, तो उसके साथ भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, भले चेंज हो गया था कपड़े, बट फिर भी मैंने कहा वीडियो तो बनता ही है। सो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।